हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अर चैनल तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एन टी ए यू जी नेट पेपर वन जून 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 32 के बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे ईमेल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ जो आपके नेट पेपर वन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आज की इस वीडियो में आप क्वेश्चन के साथ साथ भी आंसर कर सकते हैं आपके पास सारे एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए दस सेकेंड का टाइम होगा जहाँ पर ऑप्शन आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को करेक्ट मार्क किया आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड दी इलेक्ट्रॉनिक मेल और ई मेल तो फ्रेंड्स ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें दस सेकेंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल इन शॉर्ट ई का आविष्कार किया है ऑप्शन सी रे टॉमलिनसन ने इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है मेथड है एक्सचेंज करने का यानी कि आदान प्रदान करने का मेल्स को किनके बीच लोगों के बीच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करेक्ट स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स मार्क करनी है यहाँ पर नंबर वन स्टेटमेंट है ए एस सी डबल आई कोड इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नंबर सेकंड पर है द टेक्स्ट इन मेल इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड फ्रॉम नॉर्मल टेक्स्ट टू ए एस सी डबल आई कोड नोट ए एन एस आई कोड नंबर थर्ड स्टेटमेंट है ईच करेक्टर इन ए एस सी डबल आई कोड वन बाइट और एट बिट्स ऑफ डाटा यानी कि ए एस सी डबल आई कोड में प्रत्येक वन एक बाइट या एट बिट्स डाटा है फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट कोड है कोड बी कोड बी के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं यहाँ पर नंबर वन स्टेटमेंट है ए एस सी डबल आई का कोड क्या है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है नंबर सेकंड स्टेटमेंट पर है जो मेल में टेक्स्ट होते हैं सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं नॉर्मल टेक्स्ट से ए एस सी डबल आई कोड में यानी कि वो किस में कन्वर्ट होते हैं ए एस सी डबल आई कोड में और वो किस में नहीं कन्वर्ट होते हैं ए एन एस आई कोड में और ए एन एस आई का फुल फॉर्म क्या है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट नंबर थर्ड पर स्टेटमेंट थी जो करेक्ट थी ईच करेक्टर इन ए एस सी डबल आई कोड इज वन बाइट और एट बिट्स ऑफ डाटा यानि ए एस सी डबल आई कोड में हर एक करेक्टर एक बाइट और एट बिट्स डाटा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड अ डैश इज अ क्लाइंट प्रोग्राम टू सेंड एंड रिट्रीव ईमेल्स इट रन डायरेक्टली ऑन द यूजर्स कंप्यूटर एंड कनेक्ट टू दी लोकल मेल सर्वर और समटाइम्स टू रिमोट मेल सर्वर यानी कि एक डैश ई भेजने और पुनः प्राप्त करने के लिए एक क्लाइंट प्रोग्राम है यह सीधे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर चलता है और स्थानीय मेल सर्वर या कभी कभी दुरुस्त मेल सर्वर से जुड़ता है वो है ऑप्शन सी मेल रीडर यानी कि मेल रीडर क्या है एक क्लाइंट प्रोग्राम है जो क्या करता है सेंड और रिट्रीव करता है ई को यानी कि ई को भेजता है और पुनः प्राप्त करता है कौन करता है ऑप्शन सी मेल रीडर और ये डायरेक्ट जो है यूज़र के कंप्यूटर पर चलता है और कनेक्ट होता है लोकल मेल सर्वर से और कभी कभी रिमोट मेल सर्वर से भी ये कनेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर फोर है टू कम्युनिकेट विद द मेल सर्वर द मेल रीडर यूजेस स्पेशल लैंग्वेजेस कॉल्ड डैश यानी कि मेल सर्वर के साथ संवाद करने के लिए मेल रीडर विशेष भाषाओं का उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है ऑप्शन डी प्रोटोकॉल्स यानी कि मेल सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए यानी कि संवाद करने के लिए मेल रीडर क्या करता है स्पेशल लैंग्वेजेस का यूज़ करता है जिन्हें कहा जाता है प्रोटोकॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इन कंप्यूटिंग द डैश इज एन एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ मेल सर्वर यानी कि कंप्यूटिंग में कौन सा एक एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल क्लाइंट द्वारा मेल सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है वो है ऑप्शन ए पी ओ पी पी ओ पी का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये क्या है एक एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो यूज़ किया जाता है ईमेल क्लाइंट द्वारा क्या करने के लिए मेल सर्वर से ईमेल को रिट्रीव करने के लिए यानी कि ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स डैश इज दी मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग ईमेल यानी कि डैश ईमेल प्राप्त करने के लिए एक मानक प्रोटोकॉल का सबसे हाल का संस्करण है आपको बताना है वो संस्करण कौन सा है वो है ऑप्शन डी पी ओ पी थ्री यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थ्री ये क्या है मोस्ट रिसेंट वर्जन है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का किसके लिए ईमेल को रिसीव करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन डैश इज अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल इन विच ई मेल इज रिसीव्ड एंड हेल्ड फॉर यू बाई योर इंटरनेट सर्वर यानी कि वह कौन सा एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जिसमें आपके इंटरनेट सर्वर द्वारा आपके लिए ईमेल प्राप्त किया जाता है और आयोजित किया जाता है वो है ऑप्शन डी पी ओ पी थ्री यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थ्री ये क्या है क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जिसमें क्या किया जाता है इंटरनेट सर्वर द्वारा जो आपका ईमेल है उसको रिसीव किया जाता है तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है पी ओ पी थ्री क्या है क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल क्वेश्चन नंबर एट है द डैश इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन यानी कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए एक संचार प्रोटोकॉल है वो है ऑप्शन ए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इन शॉर्ट एस एम टी पी ये क्या है एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है किसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए क्वेश्चन नंबर नाइन है इन कंप्यूटिंग द डैश इज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज बाय ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्रीव ईमेल मैसेजेस फ्रॉम अ मेल सर्वर ओवर अ टीसीपी आईपी कनेक्शन यानी कि कंप्यूटिंग में कौन सा एक इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ई क्लाइंट द्वारा टी आईपी कनेक्शन पर एक मेल सर्वर से ईमेल संदेश पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है वो इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ऑप्शन बी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इनशॉर्ट आई एम इस इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है ईमेल क्लाइंट्स द्वारा किसके लिए ईमेल मैसेजेस को रिट्रीव करने के लिए यानी कि पुनः प्राप्त करने के लिए किससे मेल सर्वर से और किस कनेक्शन पर टीसीपी और आईपी कनेक्शन पर यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल कनेक्शन पर तो फ्रेंड्स टीसीपी और आईपी कनेक्शन पर एक मेल सर्वर से ईमेल संदेश को पुनः प्राप्त करने के लिए इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इन शॉर्ट आई इस इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है तो फ्रेंड्स TCP और IP ये क्या है स्वीट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का जिसका यूज़ होता है इंटरकनेक्ट करने के लिए नेटवर्क डिवाइज़ को कहाँ पर इंटरनेट पर यानी कि नेटवर्क डिवाइज जो होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए इंटरनेट पर इसका यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ एज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी किया जाता है प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क में जैसे कि इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट पर भी और फ्रेंड्स इंटरनेट क्या है एक प्राइवेट नेटवर्क है जो सिर्फ अवेलेबल होता है जो ऑथराइज यूज़र्स होते हैं उनके लिए और साथ ही साथ एक्स्ट्रानेट ये क्या होता है कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क होता है जो सिर्फ अवेलेबल होता है किन के लिए उनके पार्टनर्स के लिए वेंडर्स और सप्लायर्स के लिए और साथ ही साथ जो ऑथराइज्ड कस्टमर्स होते हैं उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन डैश इज अ मेथड ऑफ एक्सेसिंग एंड स्टोरिंग मेल ऑन अ मेल सर्वर एंड अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग ई मेल ऑन अ रिमोट सर्वर फ्रॉम अ लोकल क्लाइंट यानी कि इनमें से कौन सा मेल सर्वर पर मेल तक पहुंचने और भंडारण करने की एक विधि है और एक स्थानीय क्लाइंट से रिमोट सर्वर पर ई मेल तक पहुँचने के लिए मानक प्रोटोकॉल है इनमें से ऑप्शन बी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इन शॉर्ट आई एम ए पी ये क्या है एक मेथड है मेल सर्वर पर मेल तक पहुंचने का और स्टोर करने का और साथ ही साथ एक लोकल क्लाइंट से रिमोट सर्वर पर ईमेल तक पहुंचने के लिए एक मानक प्रोटोकॉल है यानी कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन क्रिएटिंग एन अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग आर डिटेल्स टू the सर्वर फॉर their कन्फर्मेशन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अकाउंट इज कॉल्ड डैश प्रोसेस यानी कि उनकी पुष्टि के लिए सर्वर को हमारे विवरण प्रदान करके एक खाता बनाना खाता बनाने की उस प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑप्शन डी साइनअप प्रोसेस इसमें क्या होता है जब आप एक अकाउंट क्रिएट करते हो और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करवाते हो सर्वर को कन्फर्मेशन के लिए उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑप्शन डी साइनअप प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वी हैव टू एंटर दिस कोड व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट फॉर वेरिफिकेशन व्हाट इज़ दैट कोड कार्ड यानी कि हमें सत्यापन के लिए खाता बनाते समय इस कोड को दर्ज करना होता है उस कोड को क्या कहा जाता है इस कोड को कहा जाता है वो है ऑप्शन ए कैप्चा कोड यानी कि जब भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए इस तरह का कोड डालना पड़ता है और उस कोड को क्या कहा जाता है ऑप्शन ए कैप्चा कोड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन दी प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड इज कॉल्ड डैश यानी कि उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड को सत्यापित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑप्शन ए ऑथेंटिकेशन यानी कि प्रमाणीकरण तो फ्रेंड्स जब भी आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं अपने अकाउंट को ओपन करने के लिए देन उस वेरीफाइंग प्रोसेस को कहा जाता है ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द कमांड टू क्रिएट सेंड अ न्यू मेल टू अदर्स फ्रॉम अदर सेंडर साइड यानी कि प्रेषक या फिर भेजने वाले की ओर से दूसरों को एक नया मेल बनाने भेजने का आदेश क्या कहलाता है उसे कहा जाता है ऑप्शन डी कंपोज या फिर रचना यानी कि जब भी आप कोई न्यू मेल क्रिएट करते हो या फिर सेंड करते हो तो उसे कहा जाता है कंपोज करना आज का मैं लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ई मेल्स रिसीव्ड बाई योर ई मेल अकाउंट आर स्टोर्ड हेयर वट इज़ दैट प्लेस कॉल्ड यानी कि आपके ई मेल खाते को प्राप्त ई मेल इस जगह संग्रहित हैं उस जगह को क्या कहा जाता है उस जगह को कहा जाता है ऑप्शन ए इनबॉक्स यानी कि आपको जो भी ई रिसीव होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं ऑप्शन ए इनबॉक्स में तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का ऑप्शन आता है आप वहाँ पर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए